हाय दोस्तों, मैं हूँ विशाल अग्रवाल और आपका फ्राइडे स्टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को लाइक कीजिए ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता जाएगा। तो ये मेरा चैनल है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं हमारे फ्राइडे स्टॉक जो मैं आपके लिए लाया हूँ, 5 फ्राइडे इंट्राडे स्टॉक्स के लिए। पहला है फ्राइडे स्टॉक्स में हमारा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोस्तों, अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखोगे तो उसमें पिछले फ्राइडे में 4% की हमें जो 5 स्टॉक्स में से थे उसमें से एक स्टॉप लॉस हिट हो गया था और बाकी के जो स्टॉक्स थे उसके टारगेट हिट हो गए थे। तो उसमें हमारा ड्यूअल टारगेट भी हिट हो गया था, तो लगभग 4% की ग्रोथ हुई थी। तो उसी तरह से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इसमें भी हमें अच्छा अपॉर्चुनिटी मिले। कल का दिन थोड़ा मार्केट का रिस्की है और रेंज भी काफी है, तो इसलिए थोड़ा समझ के हमें कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा कल के दिन। पहला है फर्स्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। बालकृष्ण इंडस्ट्री एट प्रेजेंट पॉजिटिव रहेगा 709.10 पैसा, ऑलमोस्ट इट विल बी द पॉजिटिव अबाउट 709.10 पैसा फॉर द टारगेट ऑफ 1-3%। एंड पर्टिकुलर ये स्टॉक नेगेटिव रहेगा बिलो 691 के नीचे और जिसका टारगेट रेंज होगा 1-3%। दोस्तों, जिस तरह से आप जानते हो कि मेरा जो स्टॉप लॉस है वो 0.5% है, इंट्राडे के लिए स्ट्रिक्टली मैं वो अप्लाई करता हूँ 0.5%। और कोई भी स्टॉक अगर आपका मूव होता है अबव 0.5%, तो आप एक हैबिट जरूर डालिए कि आपका स्टॉप लॉस रिवाइज करना जरूरी है। तो स्टॉप लॉस इज मोस्ट कंपलसरी। और दोस्तों, ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस है। आप पहले जो भी करोगे पेपर ट्रेडिंग कीजिएगा और आपके रिस्क मैनेजमेंट देख के कीजिएगा। दूसरा है आईजीएल। आईजीएल है पॉजिटिव रहेगा। अभी जो करेंटली मार्केट जो क्लोज हुआ है आज का वो है 304.50 पैसा। सो ये पॉजिटिव रहेगा अबव 309.1 फॉर द टारगेट ऑफ 1-3%। सो आईजीएल देर विल बी द पॉजिटिव अबव 309.10 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 0.5%। एंड दिस पर्टिकुलर स्टॉक नेगेटिव विल बी बिलो 297.4। सो दोस्तों, ये लेवल जरूर ध्यान रखना है कि 309 पॉइंट हमें पहले एंट्री नहीं लेनी है। 309.1 के ऊपर जाता है तो हमें एंट्री लेंगे और नीचे 297.4 के नीचे जाएगा तो ही एंट्री लेंगे। अगर किसी भी स्टॉक में गैप अप गैप डाउन ओपन होता है तो हम वो स्टॉक को अवॉइड करेंगे, इसमें ट्रेड लेने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो सारा चीज़ जरूर ध्यान से सुनिएगा, मिस आउट मत कीजिए, फिर आप गलत ट्रेड ले लोगे तो आप उसी में फंस जाओगे, तो वो आपको जरूर ध्यान रखना है। तीसरा है टाइटन। टाइटन पॉजिटिव रहेगा अबोव 7071.60 के ऊपर फॉर द टारगेट ऑफ 1-3% के लिए, और ये नेगेटिव रहेगा बिलो 1040.4 के लिए। सो दोस्तों, ये कल के दिन अगर जैसे फॉर एग्जांपल गैप डाउन होता है, ठीक है, इन केस और ये सस्टेन करता है तो आप काई इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब गैप डाउन होता है और या फिर जब काफ़ी रेंज गिरती है तो 2% का डाउनफॉल होता है, तो उसमें एक एक्सपेक्टेड पुल बैक आती है तो हमारा स्टॉप लॉस जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट ये स्टॉक अगर क्लोजिंग बेसिस 104 के नीचे चले जाएगा तो ये नेगेटिव टाइटन ट्रेंड बन जाएगा। सो अनलेस एंड अनटिल तो ये पॉजिटिव रहेगा 7010.71.60 पैसा के ऊपर ये पॉजिटिव रहेगा। नेक्स्ट है बाटा इंडिया। सो बाटा इंडिया मुझे पॉजिटिव लग रहा है। सो एट प्रेजेंट अगर ये कल के दिन 328.85 के ऊपर सस्टेन करता है तो 1-3% इसमें टारगेट आने की अपॉर्चुनिटी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाटा इंडिया में। सो एक जरूर ध्यान रखना है, साथ ही साथ इसमें एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। सो इसमें दोनों लेवल्स बहुत ध्यान से हमें ट्रेड करने पड़ेंगे। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक नेगेटिव हो जाएगा बिलो 112.91.10 पैसा के नीचे, जिसकी टारगेट 1-3% रहेगी और हमारा स्टॉप लॉस एज यूजल 0.5% स्ट्रिक्टली हम उसे मेंटेन करते चलेंगे।
लास्ट है एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस पॉजिटिव रहेगा अबोव 595.35 पैसा के ऊपर। सो दोस्तों अभी जो करेंटली जो मार्केट ने क्लोज दिया है 3491.50 पैसे पे दिया है। सो ये पॉजिटिव 595.35 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ट्रेंड चले जाएगा। अगर ये फॉर एग्जांपल क्लोजिंग बेसिस पे नेगेटिव जाएगा 474.90 पैसा, सो ये पूरा एचडीएफसी लाइन पोजिशनल के लिए भी 5 से 10% के लिए डाउन ट्रेंड हो जाएगा। सो दोस्तों ये लेवल जरूर ध्यान आपको रखने हैं, और जो भी अगर आपको डाउट होता है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।